ये देखो गाइस, हम यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ पे दो भाई जी हमारे साथ में थे और यहाँ पे मैं लेटा हुआ था। और देखो खिड़कियों से व्यूज़ कितना गजब का आ रहा है। यहाँ पे हम व्यूज़ आ रहा है गजब का ना, तो विंडो से हमें खूबसूरत सा नज़ारा व्यूज़ भी मिल रहा था। और हम यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए निकल रहे हैं। तो गाइस हम यहाँ से निकल रहे हैं और सुबह के बज चुके हैं 9:30। भाई ऐसा कुछ रेस्टोरेंट होटल टाइप में भी है। तो भाई यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ये होटल है कुछ ऐसा नज़ारा ना। और बाहर का व्यूज़ देखो यार कितना गजब का है ना, गज अमेजिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत सोबित कलेक्शन ब्लॉग्स में। तो अभी हम निकल चुके हैं बद्रीनाथ धाम के लिए और हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया है। पत्थर यहाँ पे, ये पत्थर देख रहे हो कितने रहते, इसलिए हम लोगों को रात भर घबराहट रहती है, इसलिए काम कर दिया जाता है रात में। ये देखो भाई, राहुल भैया ने प्रसाद ले लिया है और हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। तो मंदिर की फोटो नहीं खींच सकते क्योंकि देख लो बाहर से यार, बाकी आओ घूमने आओ दर्शन करने आओ। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं, बाबा के दर्शन हो गए और अब नेक्स्ट हम बद्रीनाथ जाएंगे। देखो कैसा है खूबसूरत सा नज़ारा। ये वही जगह है जहाँ पे भीम भैया का अभिमान तोड़ा था हनुमान जी ने, और इसको हनुमान चट्टी के नाम से जानते हैं और हनुमान धारा के नाम से जानते हैं। गाइस ये देखो मंदाकिनी नदी। देखो भाई समोसा गर्म हो रहा है। ये देखो भाई हमारा ब्रेकफास्ट, और मज़ा आ रहा है यार नदी के किनारे एकदम कर रहे हैं। ये देखो भाई कुछ ऐसी मार्केट है। ओ भाई साहब, वो रहा है हमारे बाबा जी, हमें वहाँ जाना है। देखो भाई हम पहुंच चुके हैं दरबार में बाबा के, और लाइन में लगी हुई है। तो हम मंदिर पहुंच चुके हैं और देखो हम यहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देख रहा होगा ये मंदिर दिख रहा होगा। तो कुछ ही क्षण में हम बाबा के दरबार में पहुंचे। देखो भीड़ कितनी है यार, भीड़ आपको देखने में मिल जाएगी। ये देखो पता नहीं किस रूप में नारायण, जय श्री नारायण। हाय गाइस, तो देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं मंदिर के दरबार में और गेट पे हमारी रिव्यू इतने बढ़ गए हैं। और ये देखो कुछ ही क्षण में हमारे गाइस हम बद्रीनाथ धाम पे आ चुके हैं। ये जो आप प्रसाद देख रहे हो आंटी के हाथ में, तो ये प्रसाद ऐसे नहीं देते, पैसा लेते हैं। कोई 500 या 100 रुपए, 300 ऐसे, मतलब चढ़ावा पैसे, पहले पैसा लेते हैं फिर ये प्रसाद देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ये देख रहे हैं सब पैसे से लाए हैं। तो मतलब बाहर से प्रसाद अलग से लो, यहाँ से प्रसाद अलग लो, ये गलत है गाइस। तो बाबा के गाइस, तो हमें दर्शन हो गए बाबा के, बहुत अच्छे हुए हैं। और जैसे ही दर्शन हुए उसके 5 मिनट बाद आप गेट बंद हो गए। तो देखो बाबा के दरबार पे हम आए थे और दर्शन हो गए। देखो कितना खूबसूरत सा मंजर है और खूबसूरत। ओ भाई क्या बात है, तलाश के मामले में तो भाई उल्टा से बढ़िया। गाइस तो बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं माना गांव, जो कि देख सकते हो कितनी चहल पहल और भीड़ है यार। सो गाइस वेलकम टू माना गांव। माना गांव हम पहुंच चुके हैं, तो आप देख सकते हो बद्रीनाथ से ज़्यादा दूरी पे नहीं है ये, 3 किलोमीटर है। और बस इस गांव के अंदर वसुधारा फॉल पड़ता है जो कि टोटल 5 किलोमीटर। तो माना गांव हम लोग आ चुके हैं। वेलकम टू माना गांव गाइस, हमारी एंट्री हो चुकी है। ये मार्केट है देख लो, हाय हाय क्या बात है। साथ में हमारे भैया राहुल भाई और निखिल भाई हैं जिनके साथ हम घूम रहे हैं।
गाइस हम जा रहे हैं भीमपुल और देखो ये सरस्वती नदी नीचे बह रही, तभी दिखाते हैं। ये सरस्वती गाइस सरस्वती नदी है जो कि आपको यहीं पे देखने को मिलेगी बद्रीनाथ में। तो ये देखो भाई मंदिर है, ये माना विलेज का जो कि मंदिर आप देख सकते हो, और ये भीमपुल है जो जिसको भीम भैया ने यहाँ पे वो रखा था शिला। तो देखो और ये सरस्वती नदी है गाइस, पानी का देखो, और ये मंदिर है, ये मंदिर है, ये सरस्वती नदी है जो कि आप देख सकते हो, सरस्वती मैया है अपनी, ये सरस्वती मैया और कैलाश मानसरोवर से पानी आता है, और ये सरस्वती मैया जो कि नदी है आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और ये मंदिर है माना विलेज का आप देख सकते हो। ये देखो स्वर्ग रोहण मार्ग, तो हम इस मार्ग से जा रहे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना शिला, ये शिला है गाइस, इस रास्ते इस शिला को रखा था, इसी शिला से सारे जो पांडव थे, पांच पांडव इस रास्ते से गए थे स्वर्ग मार्ग दर्शन। ये देखो मूर्तियां रखी हैं जो कि अभी खोली नहीं गई। हम वसुधारा जा रहे हैं, तो हमारे साथ सर लोग भी मिल गए और वहीं जा रहे हैं। तो हेलो सर, हेलो। तो अभी चल रहे रास्ते पे, चलते हैं दिखाते हैं आप सभी को। देखो गाइस अगर आपको ऐसे हमारे देश के हीरो मिले ना तो सैल्यूट बोलने का, जय हिंद सर। और असली हीरो हमारे यही हैं, इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं, समझ में आई। तो अभी कहाँ जा रहे हैं सर हम लोग? ड्यूटी पे जाते हैं, वसुधारा नहाने जाएंगे। ना ना अभी हमारा कैंप है ना। अच्छा, तो अभी हम वसुधारा फॉल जा रहे हैं। देखो रास्ता कैसा है यार, गिरता बाकी वैसे नहीं गिरता। और ये बद्रीनाथ से कम कितना, 5-10 किलोमीटर होगा, 5 किलोमीटर है गाइस। हे गाइस, तो देखो हम हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान पे आ चुके हैं, कुछ ऐसा है जो कि ऐसे दिखती है, और ये हिंदुस्तान का पहला गांव है, और सबसे पहली दुकान देख लो, बोर्ड लगा है आप देख सकते हो। अभी हम जा रहे हैं द्रौपदी माता का मंदिर, वहाँ पे दर्शन करते हैं। गाइस तो हम आ चुके हैं द्रौपदी माता दर द्रौपदी जी का जो मंदिर है, और ये कुछ ऐसा दिखता है देख लो। हम अंदर की ओर जा रहे हैं, कुछ गाइडलाइन है ये पढ़ लो, और दिखाते हैं ये जगह तो कुछ ऐसी दिखती है। हम मंदिर के अंदर नहीं जा रहे, बाहर से ही हैं, मंदिर क्या ही जाएंगे, ताला लगा हुआ है। तो यार यहाँ तो ताला लगा था तो मैं क्या ही दिखाऊँ तुम लोगों को, मंदिर कहते हैं यही है और अभी फिलहाल ताला लगा है, तो फिर यहाँ पे कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। बाकी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये जो आप टेंट देख रहे हो ये हिंदुस्तान की पहली दुकान है, और पहला गाँव भी है यही है, ये है जो कि आप देख रहे होगे नीचे। तो आपको यहाँ पे हिंदुस्तान का पहला गांव। और तो गुड इवनिंग, और अभी देखो मैं बद्रीनाथ पहुँच गया हूँ। तो बद्रीनाथ में ये भैया ने स्टे हमको स्टे के लिए दिया है, और ये भैया की दुकान है, ये भाई हैप्पी के नाम से दुकान है, और ये भैया की दुकान है। तो आज मैं यहीं पर रात रुक रहा हूँ, और नेक्स्ट बाबा के दर्शन करने के बाद फिर निकलेंगे अपन नेक्स्ट ट्रैक। तो देखो आज यही खाना पीना सारा कुछ यहीं पे होगा, तो भैया ने हमको ऑफर किया है, सब कुछ फ्री है। तो भैया ने भाई के लिए सब कुछ फ्री है। तो देखो गाइस आपको, अच्छा भैया गाइस आपको यहाँ पे चाउमीन मोमोज बर्गर सारा कुछ मिल जाएगा, और खाना मिल जाएगा ना। खाना है क्या रेट में मतलब होगा ये सारा कुछ? खाना 150 रुपये रेट है यहाँ पे, आपको 150 रुपये में बढ़िया
चलो यार तुम लोगों लिए डिस्काउंट दे दिया मैंने 100 रुपए का, भैया खाना दे रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। तो आप भैया के अगर दुकान पे आ, यहाँ बद्रीनाथ आ रहे हो ना, तो पहली दुकान है भैया की, और भैया का नाम हैप्पी है, हैप्पी के नाम से दुकान है, यहाँ पे आओ, हैप्पी प्रिस्ट के नाम से यहाँ पे आओ, इंजॉय करो और बाबा के दर्शन करो। तो अभी बोलेंगे हर हर महादेव, जय श्री सम्भो, हर हर महादेव। ये देखो चाय और ये बिस्किट भैया की तरफ से, भैया का इतना प्यार मिला मुझे, अच्छा लगा यार, ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, हमारी यात्रा कंटिन्यू चलती रहती है, और यहाँ वाकई में हेल्पफुल बोलो मैं, थैंक यू सो मच यार। भैया का दिल वाकई में बहुत बड़ा है, कम से कम मुझसे 10 बार बोल चुके हैं भाई कुछ खाना हो तो खा लेना। और देखो भैया के होटल के पीछे का व्यूज देखो कितना गजब का आ रहा, ये देखो यार कितना गजब है ना, अमेजिंग फुल फीलिंग आ रही, मजा आ रहा भाई। ये देखो गाइस दाल आ गई है, सब्जी आ गया है और रोटी आ गई है। ये देखो गाइस आज मैं यहाँ पे रुका हूँ और यहाँ पे मैं आज लेटूंगा, सोने के ऊपर दुकान है। गाइस तो मैं खाना खा चुका हूँ और देखो यहाँ पे आज ये दुकान है और इसके नीचे मैं रुका हुआ हूँ, तो खाना वाना हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो मुझे थकान है, थोड़ा आराम करूँगा और इसके बाद वीडियो वगैरह एडिटिंग करनी। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी बाय बाय।